हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। इसके स्लीव्स में भी थोड़ा सा डिज़ाइन है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर ये फैब्रिक। ये शिफोन का फैब्रिक है और बहुत ही लाइट वेट भी है, और इसका फैब्रिक भी काफ़ी फाइन है। आप देख सकते हैं ये बहुत लाइट वेट में भी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी शर्ट ही बना लेते हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कपड़े को एक साइड से फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं ये ओपन वाली साइड है मेरी और ये मेरी फोल्ड वाली साइड है। तो मैं सबसे पहले बैक का जो पीस है वो कटिंग करूँगी शर्ट का। ये मैं बैक का पार्ट कटिंग करने जा रही हूँ। बैक का पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी लेंथ, और मेरा लेंथ है 21, तो मैं लेंथ 21 के अकॉर्डिंग ही इसको कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो शोल्डर है उसके पास से मैंने ये 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से ही इसका लेंथ लूँगी। ये मैंने लेंथ यहाँ से 21 इंच पे मार्क लगा दिया। अब ये मैं 7 इंच का आर्मोल लूँगी और उसके बाद ये वेस्ट का निशान लगाऊँगी, और ये बाद में मेरा लेंथ तो है ही। अब मैं इन सब मार्क को स्ट्रेट लाइन में बना देती हूँ, स्ट्रेट लाइन से कवर कर देती हूँ। ये मैंने सारे मार्क पे स्ट्रेट लाइन बना ली है। स्ट्रेट लाइन बनाने से हमें मार्क लगाने में थोड़ी आसानी रहती है और बहुत इजी तरीके से मार्क लग जाता है इंची टेप से। तो मैं शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर मैंने लिया है 7.5, यहाँ से भी मुझे 7.5 लेना है, और 8.5 मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा वेस्ट हो गया 7.5 इंच, और ये मेरा 9 इंच हिप है। तो मैं तीनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला देती हूँ। आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क लगा लीजिए, चेस्ट को 4 से डिवाइड करके जो भी आपका आता है वही आपको लेना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके जैसे सब लेते हैं। अभी ये मेरा, यहाँ से मैं थोड़ा सा कंधी डाउन करूँगी, तो ये मैंने शोल्डर हल्के से डाउन कर लिए हैं। अब मैं आर्मोल की गोलाई दूंगी, इस तरह से हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। मैं मार्जिन ले लेती हूँ 2 इंच का, 2 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है। अब मैं नीचे से 2 इंच की गोलाई दे दूंगी। शर्ट में देखा होगा आपने कि हल्की सी गोल भी होती है, तो ये मैंने हल्की सी राउंड शेप कर ली है। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने 4 इंच का एक्स्ट्रा लिया है बैक। फिर उसके बाद मैंने ये 7 इंच लिया है आर्मोल। 7 इंच आर्मोल लेने के बाद मैंने चेस्ट लिया है 8.5, और ये मेरा वेस्ट है 7.5, आप देख सकते हैं। और ये मैंने हिप लिया है यहाँ से 9 इंच पे, ये देखिए, ये मैंने 2 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, और ये मेरा राउंड शेप है। तो ये मेरा, अब मैंने कटिंग कर लिया अपना बैक वाला पार्ट, और ये मैं बैक की प्लेटों का निशान लगा रही हूँ। ये 1 इंच की प्लेट होती है, मैं 4 इंच यहाँ से डाउन लूँगी और 4 इंच यहाँ से अप लूँगी। तो ये मेरा मार्क लग गया, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देती हूँ। ये मेरा स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर अच्छे से मार्क लगा लूँगी जहाँ से मुझे सिलाई लगानी है। बैक की प्लेट थोड़ी 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर ही होती है, तो इस तरीके से आप बैक की प्लेट लगा सकते हो। बैक की प्लेट को बिना निशान के मत लगाना, नहीं तो आपकी प्लेट में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये फोल्ड करने के लिए आगे वाली जो पट्टी है हम फोल्ड करते हैं शर्ट में, वो मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है, उसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो बैक पार्ट है उस बैक पार्ट को इसी के ऊपर ऐसे रख के कटिंग कर लेती हूँ। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था आर्मोल से जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक, तो वो मैंने सिर्फ बैक के लिए लिया था, फ्रंट पार्ट में हमें वो नहीं लेना है। तो हमारे जितने आर्मोल हैं हमें उतने ही आर्मोल लेने हैं। मैं फैब्रिक के ऊपर ही रख के इसको कटिंग कर देती हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है।
अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसको फोल्ड करके मैं फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से शोल्डर कटिंग हो गए हैं। अब बैक पार्ट को हटा के मैं हल्का सा आर्मोल की शेप डालूंगी, क्योंकि वो मैंने बैक वाले पार्ट की ही मिला के कटिंग की है। तो ये मैंने फ्रंट की भी शेप कटिंग कर ली है। अब जो ये मैंने एक्स्ट्रा लिए थे ये इस तरीके से इनको फोल्ड करके स्टिच करना है दोनों साइडों से हुक और काज के लिए। और अब मैं आपको नेक कटिंग करना बताती हूँ कि नेक कैसे कटिंग करना है। ब्रॉड लेना है आपको 2.5 और डीप लेना है 3 इंच। 2.5 और 3 इंच को राउंड शेप में मिला के हम इस तरह से नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक को भी इसी तरीके से काटूंगी। बैक को थोड़ा सा डीप कटिंग करना है बिकॉज हमने बैक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लिया ही है। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप में इसको भी कटिंग कर लिया है। अब मेरे फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुके हैं। अब मैं स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स के लिए मैं लेंथ ले रही हूँ 14 इंच का फैब्रिक। इसको कटिंग करके मैं अलग कर लेती हूँ। उसके बाद जो ये शेप हल्की सी डालनी है वो मैंने 1.5 इंच ली है। ये हल्का सा 1.5 इंच लेके मैंने इसको कटिंग कर देती हूँ। मैं इसको, ये मेरी स्लीव्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। ये देखिए 21 इंच की मेरी लेंथ होगी 20 इंच का। मैं 7 इंच का ये जो बाकी बचा है मेरा 7 इंच का मैं पेस्टिंग पे कटिंग करूँगी। ये देखिए मैंने पेस्टिंग 7 इंच की कटिंग करके उसको पेस्ट कर लिया है। ये 7x7 की ही है मेरी जो ये आगे वाली पट्टियाँ हैं जिसको हम राउंड करके जिसपे बटन लगाएंगे, ये हमने बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक अलग सिंगल कपड़े पे इसको रख के मैं कच्चा करूँगी और चारों साइडों से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। और थोड़ी सी साइड को मैं ओपन रखूँगी इसको पलटने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे चारों साइडों में। दोनों पीसों पे ही हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे चारों साइड में। एक पैर का सिलाई रख के इसको फोल्ड करना है। कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से बनाना है क्योंकि जैसे ही कॉर्नर आएगा आपको इस तरीके से ही मूव होना है। निडिल को उसके अंदर रख के तब हमें कपड़े को घुमाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों साइडों में निशान लगा वो स्टिच लगा लिया है। थोड़ी सी स्टिच आपको ओपन रखनी है बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने रखी है, ताकि हम उसमें से आसानी से उसको पलट लेंगे। ये देखिए ये ओपन वाली जो साइड है इसमें से मैं इसको पूरे को पलट लेती हूँ। ये मैंने इसको पलट लिया है। अब पलटने के बाद मैं इस पे चारों साइडों में एक पैर का सिलाई लगाऊंगी। कफ बोलते हैं इसको, शर्ट के जो कफ हैं। बस ये है कि मैंने ये कफ को थोड़ा सा बड़ा साइज का कटिंग किया है बिकॉज शर्ट में जो कफ होते हैं वो 3 इंच के होते हैं मैक्सिमम। मैंने ये 7 इंच का लिया है। तो ये मैंने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है इसको। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट को भी करूँगी। वो भी मैंने इसी तरीके से टर्न कर लिया है और ये मैं स्टिच करने जा रही हूँ इसके किनारे पे। एक पैर का सिलाई अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये कफ, क्योंकि कफ पे और कॉलर पे हम हमेशा एक पैर की ही सिलाई लगाते हैं, किनारे वाली पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा के मेरा दोनों जो पीस हैं वो रेडी हो जाएंगे।
इस तरह से हम सिलाई को पूरी तरफ लगा चारों तरफ लगा लेंगे। ये हमने दोनों जो पार्ट है हमारे उसी तरीके से हम दोनों पार्ट्स को रेडी करेंगे। अब इसलिए इसमें फ्रेंड्स गैदर्स डालूंगी, तो चलिए हम गैदर्स डाल लेते हैं। गैदर्स को आपको हाथों से ही फिंगर से इस तरीके से फैब्रिक को पीछे पीछे करते जाना है। हम पहले लगाते थे ना जिस जैसे सिलाई लगा के उसको पकड़ के खींच लेते थे तो गैदर्स डल जाती थी, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बिकॉज़ हमारा धागा भी कई बार टूट जाता है, कई बार गैदर्स भी अच्छे से नहीं डलती है। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत अच्छा है, ये मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ और इसी तरीके से गैदर्स डालती हूँ और बहुत इक्वल तरीके से और बहुत जल्दी मेरी गैदर्स डल जाती हैं। ये देखिए अब मैं कफ को अटैच कर लेती हूँ। इस तरह से हम कफ को अटैच कर लेंगे और जैसे मैंने ये वाली स्लीव्स को बनाया है रेडी किया है वैसे ही मैं दूसरे वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। ये मेरी एक स्लीव्स तो रेडी हो चुकी हैं, मैं दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से लगाऊंगी और बनाऊंगी। मैं उस पर भी इसी तरीके से किनारे पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैं अब इसको स्टिच करने जा रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर भी ऐसे ही बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल किनारे पे टॉप सिम लगानी है आपको, एक पैर का सिलाई नहीं लगाना है उसके ऊपर। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है, मैंने कफ भी अटैच कर लिया है और मैंने अपनी गैदर्स भी डाल ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर भी गैदर्स डाली हैं और नीचे भी कफ के पास में भी मैंने गैदर्स डाली हैं। अब मैं आपको राउंड करके दिखा देती हूँ, ये कफ की लुक इस तरीके से आने वाली है। अब मैं स्लीव्स का साइड में स्टिच करूँगी, फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी दोनों स्लीव्स में और उनको फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद मैं स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ ताकि मुझे सिर्फ अटैच करना रहेगा शर्ट में। ये देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे साइड से। तो चलिए अब हम शर्ट को कंप्लीट करते हैं। शर्ट का जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसको जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये 2.5 इंच, इसको मैं इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ फोल्ड करके। बिल्कुल किनारे पे आपको टॉप सिम की तरह सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं बिल्कुल टॉप सिम की तरह ही सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। एक पार्ट को इसी तरीके से फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैंने शोल्डर को भी सिलाई लगा लिया है और मैंने फ्रंट भी स्टिच कर लिया है। अब मैं इसकी साइड स्टिच करूँगी, फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी इसमें और नीचे से जो पार्ट है नीचे का उसको भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं साइड की सिलाई लगाने जा रही हूँ। ये देखिए जितना मैंने मार्जिन लिया है और उसी के ऊपर मार्क लगा के मैं सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे और अब मैं प्लेटें डाल रही हूँ, बैक की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें डालने जा रही हूँ। तो प्लेटों के मार्क मैंने आपको बताए थे पहले भी कि किस तरीके से आपको प्लेटें बनानी है और किस तरीके से प्लेट का निशान लगाना है। दूसरी प्लेट को भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। दोनों प्लेटें मेरी लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके की लुक आ रही है। प्लेटें बिल्कुल इस तरीके से आपको लगानी है। मैं नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ फैब्रिक को। शर्ट को जब आप नीचे से फोल्ड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो झोल नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ हमने ये जो नीचे की जो शेप लगाई है आपने देखा था कि राउंड शेप में लगाया है, तो इसको कपड़े को ना आपको खींचना है ना लूज़ छोड़ना है। तो आराम आराम से उसको फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है फोल्ड करने में, बिकॉज ये राउंड शेप में होता है। तो आप धीरे धीरे करके उसको फोल्ड करते जाइए और धीरे धीरे स्टिच लगाते जाइए। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया। अब मैं स्लीव्स को जॉइंट करने जा रही हूँ, तो ये मैं स्लीव्स जॉइंट कर रही हूँ। इसमें स्लीव्स को आप जो नीचे वाला पार्ट हमारा होता है शर्ट का और स्लीव्स का दोनों को जॉइंट करके ही आपको स्टिचिंग लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि आपको स्लीव्स का जो हमारा सेंटर पॉइंट है और हमारा जो शर्ट का सेंटर पॉइंट है वो दोनों बिल्कुल मैच करने चाहिए, तभी आपकी स्लीव्स सही लगेगी, अदरवाइज़ वो स्लीव्स घूम जाएगी। तो दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स को शर्ट के अंदर से इस तरीके से डालना है और जो हमारे पॉइंट्स हैं दोनों जॉइंट वाले, उन दोनों जॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है और वहीं से आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके जॉइंट को मिलाया है। तो इस तरीके से मैं एक पैर का सिलाई लगा के इस पूरी शर्ट को, पूरी शर्ट की जो स्लीव्स हैं चारों तरफ से उसको लगा लेती हूँ स्टिचिंग। और पॉइंट का भी ध्यान रखना है आपको, सेंटर पॉइंट्स दोनों का मिलना चाहिए एक दूसरे से,
तभी आपके स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आएगी और आपके स्लीव्स देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं, क्योंकि स्लीव्स को लगाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके स्लीव्स में एक ही पैर का मार्जिन होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी, जो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ कि मुझे ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए मेरी शर्ट मैंने नीचे से स्टिच कर लिया है, साइड से भी स्टिच कर लिया है और मैंने स्लीव्स भी जॉइंट कर लिया है। तो मैं अब आपको कॉलर की कटिंग करना और कॉलर को स्टिचिंग करना बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बताया है, कोई बहुत हैवी वाला डिज़ाइन या बहुत हैवी वाला कॉलर मैंने इसमें नहीं लगाया। बहुत सिंपल वे है लगाने का। मेज़र करके मैंने देख लिया कि ये 17.5 इंच का कॉलर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं पेस्टिंग पे मार्क लगाऊंगी। पेस्टिंग पे मार्क लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेस्टिंग एक तो फोल्ड होनी चाहिए और ये कोई बहुत पुरानी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको पेस्ट करके फिर थोड़ा सा वो टाइट वाला लुक नहीं आता है कॉलर में। तो पेपर पेस्टिंग पे ही नॉर्मली कॉलर जो होते हैं वो पेपर पेस्टिंग पे लगाते हैं, बनाती हूँ मैं। ये हल्का सा इसमें मैंने राउंड शेप दिया है, जो कि ये 1 इंच का है शेप है। मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये 1 इंच का है। इस तरीके से मैंने इसमें नीचे की साइड थोड़ा सा डाउन करके भी इसको इस तरीके से शेप बना ली है। अब मैं इसकी कॉलर वाली शेप बनाने जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल कॉलर की तरह इसकी शेप बना के हम मार्क के ऊपर ही इसको कट कर लेते हैं। बिल्कुल मार्क के ऊपर ही आपको कॉलर को कटिंग करना है। शेप बिल्कुल राउंड वाली आनी चाहिए यहाँ से, इस तरह से। इस तरह से अब मेरा कॉलर भी कटिंग हो चुका है। तो अब हम कॉलर को पेस्ट करेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कॉलर की लुक इस तरीके से आएगी। ये देखिए अब मैं इस कॉलर को कपड़े पे पेस्ट कर लेती हूँ, प्रेस से चिपका लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया और नीचे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको पलटने के लिए। तो मैं बिल्कुल कॉलर के तीनों साइडों में सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है और उसको पलट देना है। तो चलिए आइए सिलाई लगाना बता देती हूँ आपको। कोने से आके ही आपको मूव होना है और सुई को आपको मशीन के उसके कपड़े के अंदर रखना है कॉलर में, तब आपको कॉलर को मूव करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए जाना है। आपकी सिलाई बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पे। अब मैं आपको कॉलर को अटैच करना बताऊंगी किस तरीके से आपको कॉलर को अटैच करना है। हमारे कॉलर पे सिलाई लग चुकी है, तो चलिए आइए अब कॉलर को लगाना बता देते हैं। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है इसको, और कॉलर को टर्न भी कर लिया है। कॉलर का जो पेस्टिंग वाला पार्ट है उसको हम ऊपर रखना है और जो विदाउट पेस्टिंग वाला पार्ट है उसको हमें अटैच करना है इसमें। ये देखिए ये मेरा पेस्टिंग वाला है और ये विदाउट पेस्टिंग है। मैं कॉर्नर से बिल्कुल इस तरीके से लगाना स्टार्ट करूंगी यहाँ से कॉलर को। दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ के उस पर सिलाई लगानी है और ऊपर वाला जो पेस्टिंग वाला मेरा कॉलर है उसको अलग ऊपर की साइड ही पकड़ के रखना है और धीरे धीरे करके आपको कॉलर पे सिलाई लगाते जाना है। आपको जो सेंटर हमारा सेंटर पॉइंट है कॉलर का भी और शर्ट का भी, दोनों सेंटर पॉइंट को देखो आमने सामने आने चाहिए जैसे ये आ रहे हैं मेरे। तो आपको भी इनका कट का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके कट जो है ना आमने सामने आने चाहिए, नहीं तो आपका कॉलर घूम जाएगा। और कॉलर को अगर सेंटर में रखना है तो सेंटर दोनों सेंटर वाले जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे, तो आपका कॉलर बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो अब एंड में मैं बताती हूँ, देखिए एंड में जब आप आओगे तो दोनों कॉलर को और फैब्रिक को ऐसे पकड़ के रखना है और बिल्कुल इक्वल तरीके से सिलाई लगानी है। अब मैं इसको टर्न करके ऊपर वाली टॉप सिम लगाऊंगी, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से लगानी है। एकदम किनारे पे आपकी सिलाई आनी चाहिए
और जो आपका कॉलर है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल फोल्ड होके उसके ऊपर सिलाई लगानी है आपको, बिल्कुल इस तरह से। धीरे धीरे आपको फोल्ड करते जाना है कपड़े को और धीरे धीरे आपको स्टिचिंग लगाते हुए जाना है। कॉलर के बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है, इस तरीके से आपको सिलाई भी लगाते हुए जाना है और स्टिचिंग भी, कॉलर को फोल्ड भी करते हुए जाना है। तो ये देखिए आपका हमारा कॉलर लग चुका है। अब मैं कॉलर के ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, हमने जो स्लीव्स के भी कफ में लगाई है एक पैर का सिलाई लगाया था, बिल्कुल वैसे ही आपको भी सिलाई लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिलाई लगने के बाद ना कॉलर की गेटअप ही अलग से आती है और बहुत अच्छे से लगता है कॉलर देखने में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉलर को किस तरीके का लुक दिया है हमने और शर्ट किस तरीके की लग रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शर्ट किस तरीके की लुक है। देखिए शर्ट को अब मैं आपको बटन लगा के भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि ये बटन लगा के किस तरीके का लुक आ रहा है शर्ट में। तो चलिए अब हम बटन लगा के भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके की हमारी ये शर्ट दिख रही है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।